नंबर टू, वीडियो नंबर टू, श्रीमती सरोज चौधरी। सरोज जी, मैं शेयर करिए क्या। मैं सरोज चौधरी, मैं भोपाल से आई हूँ और मुझे इधर हिप्स जॉइंट से लेके घुटने के नीचे तक प्रॉब्लम होती थी, मतलब हिप पे पेन होता था। जैसे मैं पलट के लेटी हूँ तो भी मुझे करवट लेने में भी दर्द होता था, काफी दर्द होता था। अच्छा जी हाँ। और फिर घुटने के नीचे स्टिफनेस आ जाती थी तो मुझे चलने में मुश्किल होती थी। कैसे चलती थी, थोड़ा चल के दिखा। मैं ना ऐसे ऐसे चलती थी। अच्छा, ऐसे ऐसे चलती थी। ऐसे मतलब इसी बैंक पे प्रेशर आता था, इस पे तो चल नहीं पाते थे, तो इस मतलब ये पहले चेकता भी था चलते चलते, तो इसलिए मुश्किल जाती थी चलने में, तो इस बहुत ज्यादा मुश्किल होती। थोड़ा सा भी मतलब यहाँ से वहां तक जाने में भी मुझे कभी कभी लगता था कि मतलब नहीं आना चाहिए मुझे। काफी रिलीफ हो जाता था, दिन भर के काम मेरा इजीली हो जाते थे। फिर थोड़ी देर बाद में मतलब कभी फिर जैसे ज्यादा खड़ी रही मैं या चलने लगी तो खड़े रहने में ज्यादा मुझे मतलब प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, तो फिर आप दिखा, आपने कहीं कितने समय से थी तकलीफ आपको? ये तो मुझे अभी की प्रॉब्लम है, जनवरी से। अच्छा, उसके पहले मुझे एक बार और वैसे मतलब थकान बहुत होती थी पैरों के नीचे में, मतलब ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कमर के नीचे का बहुत खड़ी रही। जैसे मैं काफी ज्यादा करके आजकल खड़े रहने का ही काम होता है, खड़े रहने का ही काम करती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मतलब थकान हो जाती थी, पैरों में बहुत दर्द होता था। तो फिर यहाँ पे मैंने डॉक्टर वरुण कपूर है इधर अभी आजकल हार्ट हॉस्पिटल में है, उनको दिखाया था तो उनका ट्रीटमेंट मैं ले रही थी। डॉक्टर वरुण कपूर ने शुरुआत में या किसी और ने देख करके क्या बोला आपको? तब उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस बताया। ऑस्टियोपोरोसिस आपको किसी ने ये भी कहा कि आपको रिमेटॉइड फ्रैक्चर हो सकता है? ये तो मुझे मेरी ब्लड रिपोर्ट अभी कोरोना के पीरियड में उन्होंने मेरी ब्लड रिपोर्ट करवाई थी और मैं उनको चूंकि दिखा नहीं पाई थी, उनके पास जा नहीं पाई थी, तो उन्होंने रिपोर्ट देख के और पता नहीं तब लिख दिया था ट्रीटमेंट में कि आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। अच्छा, और ऐसे ही मतलब फोन पे या जैसे भी कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पे तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी थी, वो मैंने खाई पूरी लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस की मेडिसिन थी, आपको तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस था ही नहीं, तो उसका असर कैसे? मैंने 3 महीने खाई होंगी वो दवाई। 3 महीने दवाई खाई? जी हां। वो एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज मतलब मेडिसिन होती है। अच्छा अच्छा, तो 3 महीने खाने के बाद में फिर मुझे कोई आराम नहीं हुआ लेकिन मेरा पेन भी मतलब एक्सरसाइज या जो भी करके ठीक हुई मैं। फिर उसके बाद में अभी फिर जून में फिर मुझे प्रॉब्लम हुई। अच्छा, ये तो बस वही अचानक से बस उठ नीचे से जैसे पट्टे पे भी बैठे तो उठने में मुश्किल, चेयर पर से उठने में मुश्किल, गाड़ी में बैठती थी तो मेरा पैर मतलब बड़ी मुश्किलों से मैं सो मोड़ के और फिर मतलब गाड़ी में पैर अंदर डालती थी। अच्छा, तो इतनी प्रॉब्लम होती थी। फिर बस वही थोड़ी बहुत वो जड़ी आप ये उंगलियां वाली है ना ये एक्सरसाइज कुछ जैसे ये सब करके और मुझे रिलीफ मिल जाता था। और फिर मेरी बेटी भी आ गई थी, कुछ आपके जो भी एक्सरसाइज आपने यूट्यूब पर डाली हुई है उनको देख देख के थोड़ा बहुत वो भी कर देती थी तो उससे मुझे आराम मिल जाता था। फिर मुझे यहाँ पे आना ही था तभी कोरोना खत्म हुआ, ट्रेनें शुरू हुई और बस जल्दी से मैंने आने की तुरंत आने का क्रम बना लिया। लेकिन जैसे आपने आने का क्रम बनाया, क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते रहते हैं कोई नहीं आना चाहता, सबको लगता है कि अरे कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, हमको मतलब विश्वास नहीं करते कि ऐसे भी ठीक होते तो क्या देते हैं क्या नहीं करते हैं। मैंने बहुत लोगों को बताया, मेरी फ्रेंड्स लोगों को बताया आपने, बिल्कुल बताया। और यहाँ पे दिल्ली में मेरे मतलब बेटी के मतलब मदर है, उनको बताया कि आप वहाँ पे जाइए, आप दवाई नहीं खाएंगे तो चलेगा लेकिन थेरेपी लेंगे तो बहुत जल्दी ठीक होंगे। तो अब वो उनके जो सन इन लॉ है वो कहते हैं कि माँ को लेके जाना होगा, फिर आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप लेके जाना। तो मैंने कहा ठीक है मैं लेके चली जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम आऊंगी यदि आप भेजेंगे उनको तो मैं बिल्कुल लेके जाऊंगी। और फिर घर में आजकल काम कर रहे हो तो लेके जाने में क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? ठीक बात, बिल्कुल। और फिर इतना इजी है, वैशाली से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लेकिन फिर भी लेके नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। और दर्द वाले इतने तड़फ रहे हैं, दर्द वाले तड़फ रहे हैं, चाल ऐसी ऐसी हो गई, मेरे से भी कम एज की हैं वो। अच्छा, होंगी 50 55 60 साल की। अच्छा, और इतनी ऐसी लगती हैं कि
पता नहीं उनको कितनी तकलीफ है, मतलब 55-60 साल 55 साल 50-55 साल उम्र है और वो ऐसा लगती है जैसे 90 साल की हो गई क्या, मतलब खुद के ऊपर, मतलब उनको कोई काम करके बाहर निकलने नहीं देते, हम छोड़ के आएंगे हम लेके जाएंगे, तो उसमें डिपेंडेंसी बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है डिपेंडेंसी, बहुत बुरी चीज है जी। तो डिपेंडेंट तो, लेकिन आपने यहाँ कितने दिन थेरेपी ली? 15 दिन। एक दिन में 2 थेरेपी लेती थी, तो 30 थेरेपी। इन 30 थेरेपी में आपको कितने दिन में रिलीफ होना शुरू हुआ और क्या ऐसा लगा? मुझे शुरू के दिनों में तो नहीं हुआ था आराम, फिर ये 10 थेरेपी मेरी 10 दिन की खत्म हुई थी ना, हाँ। तो मुझे 80% लगने लगा था। अच्छा, मतलब पहले 8 दिन आपको बहुत कुछ कोई खास आराम नहीं लगा? उस दिन आपने भी करके गए थे, हाँ। उससे भी उस दिन जाके घर में मुझे बहुत पेन हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत चली गली भी मैं उस दिन, हाँ। तो बहुत दर्द हुआ पूरे रात में। अच्छा, उस दिन चली भी थी? हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे आए हैं तो कहीं ना कहीं जाना ही तो पड़ता है, तो थोड़ा मेट्रो में इधर उधर चल के गए, तो उसमें मुझे घर पे जाके बहुत थकान बहुत दर्द महसूस हुआ। मेरी बेटी ने बोला कि पेन किलर खा लो, लेकिन मैं पेन किलर दवाइयाँ ज्यादा खाती नहीं, उसका मैं नहीं खाऊंगी ठीक हो जाएगा, तो फिर अगले दिन से आपको ठीक हो गया। फिर यहाँ पे उनसे भी वो काफी, उन्होंने भी बहुत मेरे साथ में मेहनत किया, बहुत उनके कारण भी मुझे काफी रिलीफ, जैसा मैं बताती थी कि उसमें वो फोकस करके मैं फिर उसका ट्रीटमेंट देते थे, काफी रिलीफ। आज भी मुझे काफी ठीक लग रहा है, काफी ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा लग रहा है कि अभी मैं यदि और ले लेती 4-5 दिन तो मुझे आराम हो जाता, लेकिन मुझे 80-90% अच्छा लग रहा है ना, टांग में भी और घुटने में भी। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि शुरुआत के दिनों में जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो इनको कोई खास ऐसा इन्होंने रिलीफ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही इनके 8-9 दिन निकले, इसके बाद इन्होंने कहा तुरंत, अरे अब तो मुझे 50% एक दिन 80% इन्होंने कहा मुझे रिलीफ है, और उसके आज इन्होंने बोल दिया कि मुझे 90% रिलीफ। ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है कि पहले 5-6 दिन 8 दिन रिलीफ नहीं भी हुआ तो भी ट्रीटमेंट लेते रही, लेकिन मुझे ठीक है बढ़ाया, तो मैंने कहा मैं ले लूंगी, जितने दिन भी बोलेंगे मैं लूंगी, लेकिन मेरे को बहुत ठीक होकर जाना है, ठीक होकर ही जाना है और जरूरी जाना है, इसलिए मैं बीच में इसको कंटिन्यू, हां हां, मतलब आज 15 दिन के बाद जानी है जाके फिर से जो छोटा मोटा रह गया उसको भी कंप्लीट कराएंगी। यहां बहुत बड़ी बात मैं शेयर करूंगा कि देखिए हमारे यहां से गलती हो तो, क्योंकि हम दवाई नहीं देते कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाला विषय नहीं आता, लेकिन क्योंकि अगर मेडिकल डॉक्टर गलती कर दे तो भुगतना बहुत तगड़ा पड़ता है। 30 दिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयां खिलाई, 3 महीने छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है 3 महीने दवा का तो साइड इफेक्ट होता है। केवल एक अनुमान के आधार पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मेडिसिन दे दी और उसके कारण से उनका सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया, कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो सर अभी हम लोग गए थे उनके पास ना, तो उनको बताया कि हमने टेलीफोन से आपसे कांटेक्ट किया था कि दवाई और कंटिन्यू करनी थी, बोले कि अरे मैंने फोन पर मना थोड़ी करा था दवाई खाने के लिए, आप खाते रहते और मतलब और खाते रहते, तो वैसे उन्होंने देखने से मना कर दिया था कि मैं पेशेंट को देखूंगा फिर ट्रीटमेंट दूंगा, तो उन्होंने बंद कर दिया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, लेकिन अभी हाल को गुस्सा हो रहे थे, कहते दवाई क्यों बंद कर दी, दवाई आपने बंद करी तो फिर उसके और भुगतना तो आपको ही पड़ेगा ना। अरे बोले हम तुम्हारी दवाई से कोई फायदा नहीं हो रहा, उसको भुगत रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने रिपोर्ट देखी और सब कुछ मेरे सिम्टम देखे तो बोले नहीं आर्थराइटिस नहीं है आपको। लो दवाइयां खिलाने के बाद भी उन्होंने कहा कि अरे तुमने बंद क्यों कर दी, और जब दोबारा देखा तो उन्होंने कहा नहीं रिमोट आर्थराइटिस, और 1% कोई सॉरी या 1% मन के अंदर कोई ग्लानि नहीं कि यार मैंने इसको 3 महीने भयंकर दवा खिला दी जिसका कोई जिसका नुकसान ही नुकसान होना था, फायदा नहीं होना था। लेकिन फिर भी सरोज चौधरी जी आज खुश हैं, बढ़िया हैं, आरोग्य पीठाई और मन का एक भरोसा। लेकिन एक बात उन्होंने बात बोली, लोग लटकाते रहते हैं अपने दर्दों में, बिल्कुल कोई नहीं ध्यान देता है कि हमको हम टेढ़े चल रहे हैं तो हम ठीक हो सकते हैं या एक्सरसाइज कर लें या कुछ ऐसा कर लें, उनको कोई मेहनत नहीं कर रही है, तड़पते रहेंगे दवाइयां खाने चले जाएंगे और उनका फिर साइड इफेक्ट बहुत रहेगा। डॉक्टर को दिखाने वो भी गए थे वरुण कपूर के पास, वो नहीं कि दवाई ट्रीटमेंट चल रहा है उनका भी जिनका मैंने बताया था, और लेकिन यहाँ पे आने के लिए पिछले बार भी मैं आई थी तो मैंने बोला था कि मैं ये थेरेपी लूंगी आके, क्योंकि उस समय लॉकडाउन के पहले। और किन के साथ आई थी आप? मेरी डॉक्टर के साथ। अच्छा 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 जी, तो सरोज जी
आज 90% अच्छी है, मात्र 30 थेरेपी, 15 दिन की थेरेपी में 90% अच्छी है।